हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव साई इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज हमारे पास एक हैंड ब्लेंडर आया है और ये देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। वैसे तो कस्टमर बता रहा था कि ये चल नहीं रहा है, ऊपर मोटर चल रही है और ये घूम नहीं रहा है। तो देखिए, चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी घूम नहीं रहा है, मोटर ही घूम रही है अब। तो चलिए देखते हैं, इसको खोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये जो हमारे चार स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, ये जो छेद है इनमें स्क्रू लगे हुए हैं, तो इनको हम खोल लेते हैं। ये कवर हम अलग कर लेते हैं और देखिए ये मोटर है। तो जो इसकी जो ये प्लास्टिक का पार्ट आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी दो स्क्रू लगे हुए हैं। और देखिए जो इसकी जो कपलिंग है, इसमें ग्रीन कलर का सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कपलिंग है बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। ये काफ़ी टाइम हो गए हैं इसको, ये फर्स्ट टाइम अभी ये खुला है हैंड ब्लेंडर। और जो ये रबड़ की जो कपलिंग होती है, तो रबड़ काफ़ी टाइम के बाद में कुछ टाइम बाद ये मेल्ट होने लग जाती है। तो देखिए ये कपलिंग है, अब ये हमने खोल ली है और इसके अंदर जो ये ग्रीन कलर की जो ये कपलिंग है, ये बिल्कुल मेल्ट हो गया। देखो चिपचिपी हो गई है बिल्कुल। और ये इसका जो पार्ट है वो इसके अंदर ही रह गया है। जो ये एक इसमें ब्रास का नट टाइप का इसमें मोल्ड रहता है, तो अभी हम इसको निकाल लेंगे और इसको अच्छे से साफ करेंगे, फिर दूसरी कपलिंग इसमें लगाएंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने निकाल लिया है और साफ भी अच्छे से हमने इसको कर लिया है। तो मार्केट में इसकी कपलिंग मिल जाती है, ये हमने नट निकाला था उसके अंदर से जो हमारी कपलिंग में से निकल गया था, ये गल के ये वाला। तो ये हमारे पास मार्केट में ये मिल जाती है कपलिंग। तो देखिए, तो ये अब हम इसमें लगाएंगे तो ये इजीली टाइट हो जाएगी। और ये हमने टाइट कर लिया इसके अंदर और जैसे हमने खोली थी उसको ऐसे ही हम फिट कर लेंगे। इसमें दो स्क्रू लगे होते हैं, ये देखिए, और इनको अच्छे से टाइट करके और अपना जैसे हमने खोली थी मोटर जैसे सेट थी वैसे ही सेट हम इसको कर लेंगे। और इसके जो ऊपर के जो चार स्क्रू जो हमने खोले थे उनको भी हम टाइट कर देंगे। तो आप देखिए दोस्तों, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो ऑन कर लेते हैं। तो देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, ये देखिए दोस्तों। अभी मैंने ये सीरीज़ में चला रखी है और अब हम ये डायरेक्ट करके अब इसको चला के देखेंगे। तो देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।